अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? शाम का टाइम है, बहुत प्यारा मौसम है और हम ड्यूटी वाला इंटरचेंज से एंटर हो रहे हैं मोटरवे पे। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा स्टार्टिंग डिफरेंट है। आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूजुअली अब्दुल्ला व्लॉग स्टार्ट कर रहा होता है। और आज हम लोग फिर ऐसे शाम में बैठे बैठे, जुमे वाला दिन था, छुट्टी थी, तो हम लोग बाहर निकले तो सोचा कि आप दोस्तों को भी अपने साथ घुमाते हैं जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। और मौसम दिन में तो आज गर्म था लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया है और इसीलिए शाम में ज़रा कुछ घूमने का प्लान बना था। अभी हम मोटरवे पे एंटर हुए हैं, थोड़ा सा आगे साइयां वाला है और ये भाई जा रहे हैं क्रोला और वैगनर वाले, इन दोनों को चूल लाई हुई है। वैगनर वाला बस कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से आगे निकल जाऊँ, लेकिन अल्टस वाले भाई जान कहाँ पर जाने देंगे। लेकिन उन्होंने भाई क्रॉस कर ही लिया वैगनर वाले ने यार, लेकिन बंदे को नाइस से जाना चाहिए। अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, ये साइया वाला क्या मकाम है, यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकते हैं तो यहाँ से देखते हैं अगर कुछ खाना पीना है। और भाई कह रहे हैं पेट्रोल वगैरह डलवाना है तो फिर देखते हैं। आज यहाँ पे काफ़ी रश है क्योंकि आज फ्राइडे है और हर बंदा निकला हुआ है कहीं ना कहीं जाने के लिए। देख लें फ्यूल स्टेशन पे कितना रश है यहाँ पे, और सामने जो कैफेटेरिया उसके बाहर भी काफ़ी रश है। ये पेट्रोल डलवा रहे हैं और ये भाई आगे हैं, वो शीशा वैसे भी गंदा था, साफ करवा लिया इनसे भाई से। अभी यहाँ से निकले हैं क्यामो ताम से, तो फ्यूल वगैरह डलवा लिया है, शीशे वगैरह साफ करा लिया है। तो भाई से पूछते हैं, भाई क्या प्लान है आगे का? नहीं, प्लान अभी कोई पता नहीं है। वैसे दिल तो है कि कहीं अच्छी सी बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और बस घर वापस आ जाएंगे, यही सोच के घर से तो निकले थे। लेकिन अगर कुछ खाने को मिल गया तो वो भी खा लेंगे, इंजॉय करेंगे। बस घर बैठे बोर हो रहे थे इसलिए बस निकले हैं बाहर, और तो कोई खास काम नहीं था आज वैसे ना। लेकिन भाई ये बताएं, अगर आपने वो आगे जाके कहा ना कि लेफ्ट और राइट, उससे पहले बता दें आपने किधर जाना है। भाई वहाँ जाके टास होगा और हमेशा वहाँ पे जाके टास होता है, और यहाँ तो हम लोग कभी सोच के नहीं आए कि यहाँ से लेफ्ट होना है, लाहौर जाना है या राइट होके इस्लामाबाद वाली साइड पे जाना है। अच्छा, तो जब टास होगा फिर आपको दिखाते हैं कि टास क्या होगा और कौन जीतता है। उम्मीद है कि हम इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएंगे क्योंकि काफी अरसा हो गया उस साइड पे नहीं हम लोग गए, तो लाहौर तो कोई रमजान में भी 3-4 चक्कर लग गए, कुछ सामान के लिए चीजों के लिए चक्कर लगते रहे हैं, तो इस साइड पे नहीं जाया गया। तो इंशाल्लाह टास हमारा इसी साइड का निकलेगा, मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं। अभी हम पहुंचे हैं पिंडी भट्टी इंटरचेंज पे, ये काफ़ी देर पहले इन्होंने बनाया था लेकिन अब ये बंद कर दिया। अच्छा किया है, लेकिन ये इनको ये सब ख़त्म करना चाहिए। तो अब यहाँ से अब निकल रहे हैं, आगे दो मोटर अलग हो जाती है ना, एक लेफ्ट और एक राइट। हाँ जी भाई, किधर जाना है, लेफ्ट या राइट? टास्क किया था अभी, वो लेफ्ट का ही निकला है तो अब... वो तो आपने, मुझे लगता है कोई हेरा फेरी मुश्किल लगता है हुई है उसमें, वो टास्क टूस तो बस भाई वो कैसे अब... जानना। तो मेरे हिसाब से टास्क जो था ना वो इधर लाहौर वाला था भाई, तो आप इधर ले आए ये तो मुझे लगता है भाई लाहौर वैसे दोबारा करना चाहिए था, वो मैंने देखा नहीं था भाई लाहौर। फिर अभी 3-4 दिन बाद काम है, एक तो फिर जाना है इंशाल्लाह, तो इसलिए आज अब आप इधर इस्लामाबाद को लेके तो आ गए, इधर से हमने जाना किधर है, कोई हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट तो होगा ही भाई। अभी पहले सियाल आएगा, फिर देखते हैं कि सालम जाना है, भेरा जाना है, फिर उसी हिसाब से आपको साथ साथ बताते जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा तो दिल है कि ज़रा आगे तक जाया जाए और कुछ ना कुछ खा पी के आया जाए अच्छा सा। बिल्कुल भाई, चले ठीक है भाई, आपने कह दिया तो फिर चलते हैं। लेकिन चले नेक्स्ट वो फिर लाहौर वाला टूर कौन सा आगा, वो 4-5 दिन बाद आप कह रहे हैं, वो
सामान लेने के लिए जाना है, तो पेंडिंग तो वो भी है। ये यार कुछ ज़्यादा ही अरसा हो गया था इस साइड पे आए हुए, तो मैं खुद बोर हो रहा था, मैंने एक दो वीडियोस भी देखी, तो मेरा खुद का दिल भी था कि जाया जाए इस साइड पे ना। सही हो गया, ले भाई फिर आप कह रहे हैं तो फिर चले जाते हैं, अल्लाह खैर करे पहुँचते हैं फिर, और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। इधर सियाल के पास पहुंच गए, क़यामत आम के पास, यहाँ पे अभी देखते हैं रुकेंगे क्या प्लान बनता है बाइक के साथ। तो अभी मैं मतलब के देखा वहाँ पुलिस वगैरह खड़े थे और सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, इन्होंने नया रूल अब बनाया है कि भाई जो पैसेंजर भी सीट बेल्ट नहीं लगाएगा उसको भी फाइन करेंगे, ड्राइवर को तो करना ही करना है और पैसेंजर ने भी नहीं अगर बेल्ट बांधी होगी तो उसको भी फाइन करेंगे। तो ये अब इनका नया रूल है, वो सडन पुलिस वालों को देख के याद आया, नहीं तो भाई यहाँ पे फाइन हो जाना था हमारा, तो रात का टाइम है शायद उन्होंने नहीं देखा है। चलते हैं अब अपने सफर की तरफ। ये है जी सियाल रेस्ट एरिया, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और देखेंगे खाने का क्या सीन है, अगर तो फास्ट फूड का कोई सीन है तो फिर इधर से हम ऑर्डर वगैरह करेंगे, लेकिन प्लान है हमारा देसी खाने का, तो देसी ही खाएंगे, लेकिन अब देखें क्या भाई के साथ प्लान बनता है। रश तो इधर भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, तो देखते हैं रुकते हैं, नहीं तो मेरा तो प्लान यही है कि आज देसी खाएं, क्योंकि हम घर से निकले ही देसी खाने के लिए हैं, और वो भी जो सियाल क़यामत आम है उससे आगे जो सियाल इंटरचेंज है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो होटल है वहाँ पे। तो प्लान ये बना था कि यहाँ पे रुकेंगे क़यामत आम पे, कुछ यहाँ पे खाने का कोई सीन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इंटरचेंज है सियाल, वहाँ से नीचे उतरेंगे और वहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा सा कोई देसी खाने का मूड है भाई कह रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा खाने शाने वाला कोई सिस्टम है। तो भाई है वो जहाँ पे हम पहले वो खाते होते थे वो वाइट हांडी वगैरह, मानसराय होता था, लेकिन वो मुझे लगता है कोई एक डेढ़ साल पहले ना वो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा सही। ओ भाई क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे यार ये कल्टस वाला हमें हैंड कराने लगा था, बचत हो गई है। अच्छा तो भाई वो भाई देखते हैं अभी नीचे उतर के कि क्या सीन है, अगर तो खुला हुआ तो हम लाजमी वहीं पे जाएंगे, वरना फिर कोई और देखेंगे अगर कोई अच्छा मिल गया तो। और ना फिर सेकंड प्लान हमारा ये है कि फिर दूसरी तरफ से आके फिर ये जो सियाल क़यामत आम रेस्ट एरिया वहाँ पे कुछ दिखेंगे खाने छाने के लिए, तो चलते हैं। लें जी अभी हम उतरने लगे हैं सियाल मोटर जो टूर प्लाजा है उसके बाहर निकलने लगे हैं, तो सामने ही हमारा होटल है, दिखाते हैं जी सामने ये सियाल इंटरचेंज से उतरते ही सामने है ये होटल मेहमान सराय, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये वही होटल है जहाँ से हम खाना खाते थे, लग तो रहा है शायद ऑनर चेंज हो गया हो या होटल भी चेंज हो गया हो, तो जाके देखते हैं। ये होटल तो चेंज हो चुका है, ये है जी खान बाबा नमकीन सराय, देखते हैं इधर जाके कि क्या इनका टेस्ट है और क्या सीन है खाने का, और दिखाते हैं और बताते हैं आपको। ये है जी जो होटल है उसका बाहर का मतलब व्यू है, ठीक है ओपन एरिया साफ सुथरा इनका माहौल है, ऑनर तो इनका चेंज हो गया लेकिन ऑर्डर करते हैं। ये है जी इनका मेन्यू देखा तो खाने जो हमारे हैं वो है वाइट हांडी, तो ऑनर तो चेंज है और ये होटल वैसे बिल्कुल चेंज हो गया, लेकिन हम खाएंगे वाइट हांडी और हमने किए हैं कबाब किए हैं, तो जैसे फिर आता है तो फिर टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह से खाना हमारा आ गया है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। माशाल्लाह से ये हमारे कबाब हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं, खाते हैं। खाना शाना खाने के बाद भाई ज़रा मसाज करा रहे हैं अपना, और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़े का मौसम है और यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, सुकून है यहाँ पे, और साथ ही भाई इनकी आ गई है चाय। चाय देखने में तो काफ़ी अच्छी है लेकिन टेस्ट नहीं ठीक। हाँ जी खाना शाना खा लिया हमने, तो अब उधर से निकले हैं, इधर ये क़यामत आम है ये सियाल रेस्ट एरिया, यहाँ पे अब रुक रहे हैं, यहाँ पे दो चार मिनट रुकेंगे तो एक दो चीज़ें लेनी है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है, कहाँ पे रुकना है या सीधा घर पे ही जाना है। क्यों भाई जी? भाई बस इंशाल्लाह अंधेरा भी काफ़ी हो गया, तो कोशिश यही है, घर से भी एक फ़ोन आ गया है
तो अब वापस ही जाया जाएगा इंशाल्लाह ना। सही है, चलें फिर अब थोड़ी देर में यहाँ पे रुक के निकलते हैं। अब हम वापस जाने की तैयारी में थे तो वापस आ रहे हैं। तो ये है जो पिंडी भट्टियाँ वाला टूल प्लाजा है, जो कि बंद हो चुका है, लेकिन ऐसे ही इनकी बिल्डिंग रेडी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बैठा होता, ये फ्री कर दी है। लेकिन ये ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होती है जो नए ट्रैवल करते हैं। वापस रास्ते में हम दोबारा रुके हैं साइया वाला रेस्ट एरिया पे। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा फ्यूल अगेन फिल करवाएंगे, उसके बाद हम गाड़ी पार्क करके तो साथ में पार्क है वहाँ जाएंगे। और ये जी पार्क बनाया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कि पुरसकून है, कोई शोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ठंडी हवा चल रही है, बड़े मज़े का यहाँ पर मौसम हुआ है। वापस आ गए हैं यहाँ पे जो टिप्टी वाला इंटरचेंज है, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, यहाँ से एग्ज़िट लेंगे और घर की तरफ रवा दवा होंगे इंशाल्लाह। तो बड़े मज़े का हमारा आज का सफ़र रहा है, बहुत मज़ा आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही ट्रैवल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनली घूम फिर के आ गए हैं वापस, तो अब जा रहे हैं घर को। अब भाई मुझे छोड़ेंगे अपनी तरफ ही और फिर उधर से मैं जाऊंगा वापस घर पे। तो बड़ा मज़ा आया है, एक मतलब घूम फिर लिया, आउटिंग हो गई है, खाना शाना खाया, बड़ा अच्छा लगा है। और भाई के साथ तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है घूमने फिरने का। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।